इस टॉपिक ऊपर मैं वीडियो बहुत टाइम से मैं बनाना चाह रहा था, बट मुझे कोई सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा था इस टॉपिक ऊपर वीडियो बनाने का। बट मुझे सॉलिड रीजन मिला 21 जुलाई 2020 को, बट आज हो गई है 25 जुलाई 2020। तो भैया 3-4 दिन ऐसे निकले ना सोचने में कि अगर मैंने ये वीडियो अगर मैंने बनाई तो मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लीगली कुछ नहीं हो सकता, बट इलीगली जो जेलेसी या फिर मतलब वो जो बोलते हैं कि सच को दबाने वाली चीज़ को लेकर के बहुत कुछ हो सकता है मेरे अगेंस्ट। तो इसीलिए इस वीडियो को लेकर के मुझे प्लीज़ आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी स्टूडेंट का पेरेंट है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये वीडियो अगेंस्ट जाने वाली है जो माफियाज होते हैं, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट चलाने वाले बिजनेसमैन, हाँ स्कूल और कॉलेज चलाने वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो वो बिजनेसमैन नहीं, वो एक्चुअली वो माफिया है, उनके अगेंस्ट ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है आफ्टर पैंडमिक फीस हाइक को लेकर के। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले हैं इस दुनिया के अंदर, वो आई थिंक पिछले 100 साल के अंदर कभी भी नहीं देखने, मतलब जो हमारी जनरेशन है या फिर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उन्होंने तो कभी भी इतना बड़ा क्राइसिस नहीं देखा है अपनी लाइफ के अंदर। इस कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से इतने सारे लोगों की जॉब गई, इतने सारे लोगों की सैलरी कट हुई, तो भैया ऑब्वियस सी बात है हर किसी की फैमिली के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं। और वहीं हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज फीस हाइक पर लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इट्स जस्ट अ एग्जांपल, क्लियर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये केवल एग्जांपल है, किसी के ऊपर ये मतलब अटैक नहीं है, बाकी का जिसको जो समझना वो समझ सकता है। मेरा मैं GNIT कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो मुझे अपने कॉलेज का पता है, क्योंकि उसकी फीस, एकेडमिक फीस, सारी चीज़ें मेरे पास में आ गई हैं। 21 तारीख को यहीं मेरे कॉलेज की तरफ से आया, देखो यहाँ पर इस साइड में आई थिंक या फिर इस साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये लगेगी, ट्यूशन फीस 91,370 लगेगी, इन शॉर्ट आपको 1,01,370 रुपीज़ आपको पे करने हैं एडमिशन लेने के लिए, मतलब लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। मैं थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जाने के लिए मुझे इतनी फीस पे करनी है। वो बात अलग है कि जो लोग डायरेक्टली सेकंड ईयर में आए थे लेटरल एंट्री के, तो उनके शायद कुछ फीस कम है, तो उस हिसाब से ये भैया मतलब एडजस्ट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी करेंगे। बट जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर से जो VTech में है, उनके लिए 1,01,370 रुपीज़ फीस पे करना जरूरी है। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 4 अगस्त 2020 से नेक्स्ट सेमेस्टर की, ऐसा हमारे मतलब सर्कुलर आया हुआ है। मैं आपको सर्कुलर में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फर्स्ट थिंग, ऑनलाइन क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020 फॉर द ऑड सेमेस्टर एज रिकमेंडेड बाई रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ओके, इसके बाद का जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना। टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर फॉर ऑड सेमेस्टर सेशन 2021। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द अपकमिंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th of July 2020। ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाई एडवाइज टू कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई पेइंग देयर फीस ऑन और बिफोर 30th of July 2020। तो भैया 1,01,370 रुपये 21 तारीख को हमारे पास में नोटिस आया था, जो ऑफिशियल ग्रुप था कॉलेज का, उसके अंदर 1,01,370 रुपये आपको पे करने हैं 30 जुलाई 2020 से पहले पहले। इसके अंदर एक और पॉइंटर दिया हुआ है, दैट इज टाइम टेबल एंड लिंक्स फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विल बी ईमेल्ड ओनली टू द स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द एकेडमिक रजिस्ट्रेशन फीस प्रोसेस। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है भैया, फीस जमा करोगे तभी आपके पास में टाइम टेबल और ऑनलाइन क्लासेस के आपको लिंक भेजे जाएंगे, नहीं तो नहीं भेजे जाएंगे। एंड जब मैंने इस फीस के बारे में मैंने फ़ोन करके पूछा कि भैया लाइक 1,01,370 ये चलो 10,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फीस ली है प्लस 91,370 आपने उसके लिए लिया है, क्या नाम है, ट्यूशन फीस। सो उनका कहना ये था, जब कॉलेज वालों को जब मैंने फ़ोन किया पता करने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, सो दे आर लाइक कि रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर आपका लाइक आई कार्ड हो गया, सिलेबस हो गया, टाइम टेबल हो गया या फिर बुक्स हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल रहेंगी। और ट्यूशन फीस जो है वो है 91,370। इन्होंने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, इस साइड में आपको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, 91,370 पर ईयर, प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ फीस फी फिक्सेशन कमेटी फॉर्म बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका कहना है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी फॉर्म बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो फीस डिक्लेयर की है पर ईयर की, वही फीस है 91,370। तो अब मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 55,000 फीस है। ये जो स्क्रीनशॉट बराबर में आ रहा है, बीटेक की और जो फीस फिक्सेशन कमेटी है उन्होंने 55,000 उन्होंने पर ईयर फीस फिक्स की है कि ठीक है ये आपको फीस चार्ज करनी है स्टूडेंट से।
36,370 रुपए ये लोग जो है हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करें। देखो अब मैं एक बात बता दूं आपको, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस चीज की पहले हमें क्यों नहीं, हमने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, अभी क्यों आवाज उठानी पड़ी। पहली चीज क्राइसिस है भैया, मेरे पापा के बस की तो बात नहीं है कि फीस वो सबमिट कर सकें 1,00,000 रुपए इस पेंडेमिक टाइम पर, और वो भी अचानक से 8 दिन के अंदर आपको 1,00,000 रुपए आपको प्रोवाइड करवा सकें, इतना अरेंजमेंट कर सकें। नहीं भाई, मेरे पापा यार नॉर्मल एक किसान है, एक छोटी सी जॉब करते हैं उसमें भी सैलरी कट चल रहा है, तो भैया इतना तो हमारे बस की है नहीं कि हम 1,00,000 रुपए आपको हम दे सकें। प्लस रही बात ये 36,370 रुपए से अभी हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि यार पहले तो चलो आप लोग इस नाम पर लेते थे कि ठीक है आप लोग फैसिलिटीज दे रहे हो, लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कॉलेज में आकर, आपका जो हम बिल्डिंग आपकी हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस आपके कंप्यूटर लैब्स हम आपके कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट नाम के लिए चलो ठीक है मिल जाता है थोड़ा बहुत, वैसे वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था, तो वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के आप अलग अलग फैसिलिटीज़ के जो आप चार्जेस लेते थे ठीक है मान लिया पहले आप ये लेते थे, अभी तो सर हम कहीं नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ। 10,000 रुपये जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस ली है वो तो उस बुक्स और आई कार्ड और ये सिलेबस टाइम टेबल ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं, तो ये जो 36,370 रुपये हैं इसके अंदर अब आप कौन सी फैसिलिटी आप इंक्लूड कर रहे हैं जो आप इस टाइम पर आप जो है 36,370 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इवन मैं तो बस ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे उसके इंटरनेट के पैसे कौन देगा, क्योंकि देखो कॉलेज जैसे आते थे हम लोग, कॉलेज में रह करके जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता था, लाइक कि ठीक है क्लास के अंदर घुस के बैठे हैं तो भैया इंटरनेट का हमें पे करना, वो तो पे नहीं करना पड़ता, उसकी फैसिलिटीज़ के आप लोग पहले चार्जेस ले, अभी इस टाइम पर आप लोग चार्जेस भी ले रहे हो, फैसिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं वो भी ले रहे हो, प्लस वो चीज़ तो चलो पॉसिबल नहीं है दे पाना, वो फैसिलिटीज़ दे पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भैया पेंडेमिक का टाइम है, बट हर चीज़ स्टूडेंट ही क्यों समझे, आपको भी तो समझने की ज़रूरत है ना। आई नो आपका ये बिजनेस है, बिजनेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंधा बना करके आप जितना ज़्यादा ज़्यादा आप पैसा कमा लो उतनी अच्छी बात है, बिजनेस का ये रूल होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट निकाल सको, क्यों मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद अपनी एक कंपनी चलाता हूँ, बट मैन ह्यूमैनिटी नाम की एक चीज़ होती है, इंसानियत नाम की एक चीज़ होती है, आपके घर में दाल रोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हर एक घर के अंदर दाल रोटी है, आपके पास में इंटरनेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के पास में इंटरनेट है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांव से आते हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो फार्मर हैं, कहाँ से लेकर के आएंगे वो इस गरीबी में, इस पेंडेमिक इस क्राइसिस के अंदर वो कहाँ से वो पैसे लेकर के आएंगे 1,00,000 रुपए, उनके पास में क्या जरिया होता है, खेती से जो अनाज पैदा होता है उसको वो बेच के वो पैसे जो भी आते हैं उनके पास वो आते हैं। इस टाइम पर मंडी भी नहीं खुली होती जहाँ पर वो अनाज बेच सकें, और मंडी अगर खुली है तो भैया इतने सस्ते में जा रहा है, 20 रुपए की चीज़ 10 रुपए में जा रही है। हमारे पेरेंट्स भाई सब कर्जे में मर रहे हैं और आपको 1,00,000 रुपए फीस चार्ज करनी है, लाइक सीरियसली थोड़ी बहुत इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं है, आपके अंदर थोड़े बहुत मोरल्स हैं या नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग दिस थिंग, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम ओनली वन कॉलेज, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरी वन। आपका कॉलेज है, आपका बिजनेस है, अच्छी बात है, हम पढ़ रहे हैं ये क्योंकि हमारा पढ़ना काम है, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई की हम फीस पे कर रहे हैं, लेकिन सर आप ये भी बात समझिए कि हम आपकी कोई भी फैसिलिटी हम आपकी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें केवल नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं ऑनलाइन, दैट्स इट। और अगर मान लो अगर ऑनलाइन क्लास भी चलती है, टीचर को आप सैलरी पे कर रहे हो, टीचर अगर ऑनलाइन आकर के अगर टीचर अगर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, अगर वो पढ़ा रहे हैं जूम पे पढ़ा रहे हो चाहे मीट पे पढ़ा रहे हो कहीं भी पढ़ा रहे हो, उनको आप सैलरी पे कर रहे हो, हम आपको उस चीज़ के हम आपको पे कर रहे हैं, ट्यूशन फीस हम आपको पे कर रहे हैं, ठीक है हम आपको क्योंकि आप केवल हमें ट्यूशन दे रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। तो भैया वो ट्यूशन फीस में ये 36,370 रुपए एक्स्ट्रा क्यों, व्हाई, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस थिंग एंड आई जस्ट वांट टू आस्क टू आवर गवर्नमेंट, सर एक बात बताओ कोई लिमिट है कॉलेजेस के ऊपर या नहीं कि लाइक कि ठीक है मैक्सिमम फीस आप इतनी चार्ज कर सकते हो, लाइक मैंने जब एडमिशन लिया था तो जीएल बजाज कॉलेज के अंदर पहले मैं गया था एडमिशन, वहाँ की फीस 1,60,000 थी, ABS कॉलेज है गाजियाबाद में वहाँ की फीस 1,90,000 थी, गलगोटिया की 1,80,000-1,70,000 ऐसी थाउजेंड है, कोई लिमिट है, आपने चलो ठीक है आपने एक फी फिक्सेशन कमेटी आपने बना दी, उन्होंने फीस बता दी कि भैया 55,000 फीस है, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के नाम पर कॉलेज वाले कितनी ज़्यादा माफियागिरी कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वाले, डू हैव एनी आइडिया, इज देर एनी लॉ जिसके रिकॉर्डिंग कि ठीक है इतनी मैक्सिमम फीस आप चार्ज कर सकते हो इसके ऊपर जो मार्जिन फीस होती है जिसमें आप फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हो उसके चार्जेस रहेंगे, इज देर एनी लाइक कोई रूल रेगुलेशन कुछ है या नहीं है, और अगर नहीं बाय द वे होगा भी क्यों, अगर नहीं है तो भैया होगा भी क्यों,
क्यों मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो चलाते तो पॉलिटिशियंस ही है ना, और गवर्नमेंट में भी पॉलिटिशियन होते हैं, तो भैया अपना घाटा कौन चाहेगा, अपना या फिर अपने यार दोस्त का घाटा कौन चाहेगा। सही बात है ना साला, गरीबों को तुम काट के खा लो, उनकी वो चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे वो उन्हें कर्जा लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें खेती बेचनी पड़ जाए, बट नहीं, अगर बेटा अगर तुम्हें अगर पढ़ाना है तो इतने रुपए पे करो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आप पढ़ सकते हो, तभी आप हकदार हो अच्छी एजुकेशन के। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, अगर आपके पास में इतने ज़्यादा पैसे लाइक 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर आप पे नहीं कर सकते हो, तो आपकी तो आपको कोई हक नहीं है पढ़ाई करने का। और बात करते हो आप लोग कि इंडिया के यूथ जो है वो फ्यूचर है, अबे घंटा फ्यूचर है, फीस देख रहे हो तुम लोग इतनी फीस, आई मीन लाइक सीरियसली। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि ठीक है चलो देखो बेसिक फीस होती है प्राइवेट कॉलेज के लिए, आपने 55,000 आपने जो है फीस ली, ऊपर फैसिलिटीज के लिए ठीक है चलो 10,000-20,000 पर स्टूडेंट, 10,000-20,000 रुपये बहुत होते हैं, प्लस 10,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी ले रहे हो, जिसके अंदर आपने बोल दिया सिलेबस टाइम टेबल आइडेंटिटी कार्ड और बुक्स, इन सारी चीज़ों के आपने ऑलरेडी चार्जेस ले लिए। इसके अलावा आप हमें क्या फैसिलिटीज़, आप कोई भी कॉलेज हो, पूरे इंडिया का कोई भी कॉलेज हो, पूरे इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्या आप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हो? एक वाटर कूलर जिसमें गर्म पानी आता है, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैक बोर्ड और चौक, दैट्स इट, और टीचर्स, हाँ ऑब्वियस बात है टीचर्स, दैट्स इट। और इस चीज़ के आप लोग 30,000-40,000 रुपये आप लोग चार्ज कर रहे हो एक्स्ट्रा, आई मीन लाइक सीरियसली। वो तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं लगता कि भैया इतने ज़्यादा गैप, इतनी ज़्यादा धांधली चल रही है। वो जस्ट मैंने वेबसाइट पे मैंने चेक कर लिया कि ठीक है, मेरे पास जो ब्रोशर आई थी, जो मेरे पास फीस स्ट्रक्चर आया, जो नोटिस आया, सर्कुलर आया था, उसमें मैंने देखा, मैंने सोचा चलो वेबसाइट के ऊपर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो भैया 91,300, उसके आगे लिखा होता प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ फी फिक्सेशन कमेटी फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके द्वारा मुझे पता है। फिर मैंने वो चीज़ मैंने गूगल सर्च की, उसके बाद फिर मैंने उसकी वेबसाइट पर जा करके मैंने चेक किया कि एक्चुअल में अभी इस टाइम की क्या चीज़ चल रही है, अभी इस टाइम की जो है कमेटी ने कितनी फीस डिक्लेयर की है, कितनी फीस नहीं डिक्लेयर की है। तब जा करके मुझे आइडिया लगा कि इतनी बड़ी धांधली चल रही है। और जितने भी लिंक्स हैं वेबसाइट्स के, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको तो पता है कि भैया स्टूडेंट अगर थर्ड ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, तो उसकी मजबूरी है भैया फीस पे करना, चाहे उसको खेती बेचनी पड़े, चाहे उसको घर बेचना पड़े, चाहे उसको कर्जा लेना पड़े, वो फीस पे करेगा तभी वो आगे पढ़ाई करेगा। कोई अपनी लाइक 1-2 साल ये खराब नहीं करेगा बैठ के, कोई अपनी पढ़ाई नहीं खराब करेगा, दोबारा से एडमिशन नहीं लेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो मजबूरी का क्यों फायदा उठा रहे हो सर, क्यों? आई जस्ट वॉन्ट टू से, आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके आसपास बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे। थोड़ा सा सोच के देखो कि आपके बच्चों को अगर केवल फीस पे ना करने की वजह से, लाइक जो फी अफोर्ड ना करवाने की वजह से, आपके बच्चे अगर पढ़ने से अगर रह जाए तो कैसा लगेगा आपको? वी नीड योर हेल्प, प्लीज सपोर्ट अस, बिजनेस चलते रहेंगे। अभी नहीं चल रहा, इस साल नहीं चल रहा, अभी आने वाले टाइम में चलते थे बिजनेस, आने वाले टाइम में भी चलते रहेंगे और अभी भी चल रहे हैं। आई एम जस्ट आस्किंग कि जो बिजनेस यहाँ पर था, प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पर थी, क्या आप किसी स्टूडेंट का, किसी इंसान की मतलब थोड़ी सी ह्यूमिनिटी लगा करके अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके एक बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते हैं? मुझे पता है देखो प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप ये मार्जिनल जो फीस है, एक्स्ट्रा फीस जो है, वो अगर आप कम करेंगे तब भी आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि भैया आपके कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं जा रहा, ना आपके वाटर कूलर का बिल जा रहा है, कुछ भी ना आपके कंप्यूटर चल रहे हैं, ना आपके इंटरनेट चल रहा है कॉलेज का, कोई भी चीज़ हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। आई एम जस्ट आस्किंग प्लीज़ थोड़ी सी तो फीस कम करना बनता है। एंड टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नो मुझे नहीं पता देखो कि मैंने क्या चीज़ें वो ली हैं, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही, जो मेरे क्वेश्चन थे मैंने वो बोल दिए, जो मेरे डाउट थे, जो मेरी क्लियरिफिकेशन थी, जो चीज़ें थी, जो मुझे प्रूफ मिले, जो चीज़ें मिली, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। नाउ आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपने अगर सपोर्ट नहीं किया
मेरी इंटरनल बैक लगा दी जाएगी या फिर मुझे फेल कर दिया जाएगा मेरे, और अगर फेल नहीं किया गया तो फिर मेरे इंटरनल्स बहुत कम दिए जाएंगे, मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी क्योंकि मैं एक किसी अच्छी और सही बात के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ, मैं एक सिचुएशन के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ अगेंस्ट ऑल दीज अथॉरिटीज, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। आई नीड योर हेल्प, जस्ट सपोर्ट मी, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग, पीस।